अकीदा तौहीद जब बयान हो, अकीदा तौहीद हर शय को पाक साफ कर देता है, हर मैल कुचैल को दूर कर देता है। और अकीदा तौहीद ही बयान नहीं होता, अब चले जाए ना हमारे जितने जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जलसे होते हैं, जो कुछ होता है मजहब के नाम पे, हर मौजू के ऊपर जलसा होता है, अकीदा तौहीद तक कदे जलसा देखा? और दूसरे मसलक वाले करते हैं साढ़े इल्ला माशाल्लाह, यानी वो हुक्म जो लगता है ना, लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सरियत पे कुल का इतलाक होता है, यानी अगर 100 में से 2-4 बंदे कर रहे हैं तो वो ना होने के बराबर है। अब दूर ना जाए, अपनी मस्जिद में ले लें, हमारी मस्जिद में अकीदे तौहीद के ऊपर कभी जलसा हुआ हो थोड़ी जिंदगी? मैंने तो 2-2.5 साल हो इन्हें, कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं होता जी? आप अपनी मस्जिद छोड़ के अपने मोहल्ले में भी नहीं हुआ होगा, इर्द गिर्द अगर नजर घुमा लें तो यहां भी नहीं हुआ। अपने मसलक की बात कर रहा हूं, दूसरे मसलक वाले करते हैं और उनके साथ अवाम को इसी बात पे लड़ाई है कि वो तौहीद तौहीद करते हैं। और अल्लाह के बंदे, जब तौहीद बयान होती है, तौहीद अकीदे की पहली सीढ़ी है, बुनियाद है अकीदे की, मुसलमान की बुनियाद अकीदे तौहीद पे है। जब तौहीद बयान होगी तो जितने गलत अकायद नजरियात है वो सारे के सारे तो अकीदे तौहीद के अंदर अल्लाह ताला ने एक खासियत रखी, हर शय को पाक साफ कर देता है। और जब आप उसी को बयान नहीं करेंगे तो फिर खराबियां अंदर दाखिल होती हैं। अब अकीदे तौहीद बयान क्यों नहीं होता जलसों में? इसलिए हमारे लोग जो हैं वो इसलिए बयान नहीं करते, अवाम के अंदर इनको दूसरी साइड पे लगा लगा के उस स्टेज पे ले गए हैं कि अगर कोई बंदा अकीदे तौहीद खालिसतन इल्मी लिहाज से बयान करे तो लोग कहेंगे कि बंदा वाबी हो गया। ये माइंड सेट क्यों बना है? ये हमने महफिल मिलाद करा करा के बना दिया है कि जो सुन्नी होगा वो सिर्फ महफिल मिलाद कराएगा, अकीदे तौहीद की बात नहीं करेगा, और जो सुन्नी नहीं होगा वो अकीदे तौहीद की बात करेगा। अब ऐसा दुनिया में कायनात में कुछ सुन्नी दिखाए हैं कि जो अकीदे तौहीद के बगैर सुन्नी बन गया हो? हो सकता है बंदा सुन्नी? वो अकीदे तौहीद पहली बुनियाद है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह अकीदे तौहीद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में आता है। अकीदे तौहीद की इसलाह कर, उसके बाद अकीदे रिसालत पे जा, उसके बाद फिर दूसरे अकायद है। लेकिन नहीं, हम इस तरफ नहीं आते, क्योंकि यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने अकीदे के नाम पे अपने अंदर शामिल कर रखी हैं, उनके ऊपर जद पड़ती है। फिर कौन